तो साथियों हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज। जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज है साथियों। ये जानते हैं कितनी बड़ी और विश्वसनीय संस्था का ये कंटेंट है, आपको इसको भरोसा करना पड़ेगा। आपके लिए रामबाण है, आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओएआरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए साथियों एक टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज साथियों आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जो आरओएआरओ की मैंने आज शुरुआत कर दिया है, और यह करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है, जो आपको अप्रैल से अगस्त तक का इसमें सारा का सारा कंटेंट है। जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक, जितने भी महत्वपूर्ण डाटा से संबंधित सारे के सारे करंट अफेयर, जो भी आपके आरओएआरओ या यूपीपीसीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें भरा गया है। आप बिल्कुल साथियों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि बहुत से बार सारे बच्चे होते हैं अच्छी चीजें उनको पसंद नहीं आती है, और लास्ट में जो है वो पछताने के अलावा उनको कुछ नहीं होता है। तो साथियों आपके लिए बहुत ही रामबाण है, आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या आरओएआरओ का दे रहे हो, सबके लिए ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो साथियों आपसे यही गुजारिश है कि आप जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप मैसेज कर देंगे तो इसका आपको आंसर की सहित पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, आप पीडीएफ के माध्यम से दोहरा सकते हैं। साथियों हमारा यही उद्देश्य है कि जो बच्चे ऐसी महत्वपूर्ण जो कंटेंट से दूर है, महत्वपूर्ण संस्थाओं तक उन नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर दराज के हैं, गांव देहात से हैं, उनके लिए यह भी यानी अपडेटेड चीजों को दिया जाए, जिससे वो भी जो है मुख्य धारा से जुड़ सके, उनकी भी तैयारी में धार लग सके। साथियों हमारा उद्देश्य यही है, आपके लिए काम करते हैं। तो आप अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं साथियों, तो वीडियो को लाइक करके, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। बहुत ही बढ़िया साथियों, क्या है हमारा पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखें हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला वाला प्रश्न में साथियों कह रहा है, मुख्यमंत्री एक साथियों योजना आई थी, मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना, यानी सड़कों को हरा भरा करने का, यानी पेड़ पौधों को सड़कों के किनारे लगाने का। तो उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित सड़क कहाँ बनेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों जो बनने वाली है उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित सड़क, ये बनने वाली है साथियों मेरठ में, विकल्प नंबर बी हो जाएगा साथियों। यह जो है इसके लिए 40 करोड़ रुपया का खर्च आएगा, लगभग 2.15 यानी 2.25 किलोमीटर का ये सड़क होगी, मेरठ में बनाई जाएगी। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर होगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। रामबाण है साथियों आपके लिए, वीडियो को अंत तक देखिए। प्रश्नों में ये नहीं कि कठिन, कुछ प्रश्न आपको कठिन मिलेंगे, कुछ सरल मिलेंगे, तो एकदम आपके आरओएआरओ और यूपीपीसीएस से बैलेंस करके ये प्रश्न बनाया गया है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम लोग आईसीसी कहते हैं, आईसीसी ने 6 देशों को 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार का विजेता घोषित किया, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो साथियों इससे पहले हम ये जान लें कि जो 6 देशों के जो है आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार घोषित किया गया वो कौन से हैं। तो साथियों नीदरलैंड है, यूएई है यानी संयुक्त अरब अमीरात, और नेपाल है, इसके साथ साथियों सऊदी अरब है, सऊदी अरब ये चौथा हो गया, और इसके बाद साथियों ओमान हो गया, और छठवा जो हमारा है साथियों स्कॉटलैंड। तो साथियों यही 6 है जो आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार विजेता घोषित किया गया, यानी श्रीलंका नहीं है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका नहीं है। तो आपको यहां नहीं पर जरूर ध्यान दिया करिए, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न को गलत करके आएंगे। तो चले हम लोग ऐसे ही चीजों को, छोटी छोटी चीजों को याद रखा करिए। आगे देखते हैं हम लोग, देखें तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरे वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, जो तीसरा वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों इसकी मेजबानी भारत ने किया है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ये 17 अगस्त 2024 को तीसरा वॉयस ग्लोबल शिखर सम्मेलन हुआ, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, भारत में। आगे हम लोग देखें,
चौथे में साथियों देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़कर हमें सत्य कथन का उत्तर देना है, मतलब कौन सा कथन सत्य है। तो यहां जरूर ध्यान देना, हमें सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो सत्य कथन कौन सा है साथियों, तो ये क्या कर रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया है। तो साथियों यस, भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण ये शुरू किया है, ये वाला पहला तो आपका सही है। तो इसमें दूसरा वाला साथियों ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसमें दे दिया है यह प्रोजेक्ट नमन जो है युद्धों और हमलों में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए देखभाल के लिए एक कोष बनाने यानी फंड बनाने संबंधित है, तो ये गलत है। तो साथियों जो शहीद हुए उनके लिए नहीं है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो पेंशनधारी हैं उनके लिए है, तो ये वाला आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल विकल्प नंबर आपका ए ही सत्य है, केवल एक। आगे चले हम लोग, देखते हैं पांचवें वाले में। अभी साथियों कुछ प्रश्न आपको बड़े कुछ छोटे मिलेंगे, तो ऐसा भयभीत न होइएगा, आप सिर्फ प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। पांचवा वाला क्या कर रहा है, डी वोटर्स। डी वोटर्स साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बहुत है। डी वोटर के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो चलिए कैसे सही उत्तर देंगे साथियों, आपको मालूम है असम के मुख्यमंत्री हाल ही में ये लगभग 1 लाख से ऊपर, लगभग 1.25 लाख लोगों की पहचान किया है और उनको कहा है कि ये डी वोटर्स हैं, ये डी वोटर्स। तो डी वोटर्स क्या होते हैं साथियों, ऐसे वोटर्स जो जिनको अभी तक, जो अभी तक अपनी भारतीय नागरिक होने का ये प्रमाण जो है सिद्ध नहीं कर पाए हैं, उनको डी वोटर्स कहा जाता है। खास करके जो बांग्लादेश और म्यांमार से भाग कर आए हैं जो अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, और वो अभी तक अपने जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि हम भारत के नागरिक हैं अपने, यानी प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाए हैं। तो डी वोटर्स की कंसेप्ट जो है साथियों सबसे पहले 1997 में चुनाव आयोग ने असम में लागू किया था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, असम में ही लागू किया था ये सबसे पहले 1997 में। तो ए वाला आपका सही है। और इसमें साथियों यहां पर दे दिया है, देखो ध्यान से देखना, कह रहा है इसके तहत बांग्लादेश से आए लोगों को ही नहीं दिया होता तब सही हो जाता, क्योंकि बांग्लादेश से आए लोगों को ही लक्षित किया गया है, टारगेट किया गया है, इसका मतलब ये गलत हो गया। बांग्लादेश और म्यांमार से जो लोग आए हैं इन दोनों को टारगेट किया गया है, तो म्यांमार से, तो बांग्लादेश और म्यांमार यही ही कर दिया, तो इसका मतलब केवल बांग्लादेश की बात कर रहा है, तो नहीं, बांग्लादेश और व्यापार दोनों को लक्षित किया गया है। तो ये वाला आपका गलत हो गया, केवल आपका उत्तर ए हो जाएगा, पांचवा का ए। तो चले हम लोग छठवा में देखते हैं। तो साथियों छठवें में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं छठवें में आपसे क्या कह रहे हैं। बोंडा जनजाति, बोंडा जनजाति समुदाय किस राज्य के मूल निवासी हैं। तो बोंडा जनजाति समुदाय साथियों ये कैसे चर्चा में आया, अभी ये बोंडा जनजाति का एक बच्चा जो है नीट एग्जाम क्वालिफाइड किया था, आपको मालूम है नीट जो भी बहुत बवाल हुआ था, तो यही नीट एग्जाम क्वालिफाइड किया, तभी से ये चर्चा में ये जनजाति आ गई, तो उस यही उत्तीर्ण किया था, ये बोंडा जनजाति समुदाय का था। ये कहाँ की है आपसे ये पूछ रहा है, किस राज्य के ये मूल निवासी हैं बोंडा वाले, तो ये ओडिशा के मूल निवासी हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लें हम, इसमें देखें सातवें में क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा, क्या समाचारों में रहा, नजका रिज। नजका रिज जो समाचारों में रहा यह किस महासागर में स्थित है। तो साथियों नजका रिज जो है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, विकल्प नंबर आपका एक ये हो जाएगा, ये इसी में हो जाएगा, नजका रिज जो है ये समुद्र वैज्ञानिकों की टीम ने जो है चिली के आसपास जो क्षेत्र है, जो उसके प्रशांत महासागर है चिली मतलब, वो दक्षिण अमेरिका वाले में, तो वहीं पर यह खोज हुआ था, तो ये हो जाएगा उत्तर आपका। आठवां में देखते हैं हम लोग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों ये हुई थी 1970 में, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
मतलब इसकी जो है स्थापना तो 1970 में हुई थी, और इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर की अगर बात किया जाए तो हेड क्वार्टर साथियों इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो ये आपका ये तो हो जाएगा 1970, अगर हेड क्वार्टर पूछ ले तो नई दिल्ली में। और इस साल ये अपना जो है 54वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखें हम लोग 90वें में क्या कर रहा है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है ये बताना है साथियों, ये सूचकांक से संबंधित सवाल है। तो भारत को इसमें 39 39वां स्थान मिला हुआ है साथियों, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में साथियों। बहुत बढ़िया, 119 देशों में, 119 देशों का ये सूचकांक निकाला गया था, तो 119 में भारत 39वां स्थान मिला है। आगे हम लोग देखें, आगे देखते हैं क्या है हमारा 10वें में, हाल ही में किस संस्था ने प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता, प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया है। तो प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुराज मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया है, तो किसने पेश किया है साथियों, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, ये भारतीय गुणवत्ता परिषद ने पेश किया है। आगे देखें हम लोग 11 में क्या कह रहे हैं, हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो साथियों ये जो राज्य एक कह रहा है आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये नागालैंड बन चुका है, विकल्प नंबर बी। यानी यहाँ पर जो इसे आपदाएं अगर आएंगी तो उन आपदाओं को कम करने के लिए यानी विभिन्न संस्थाओं से सहयोग लेना, तो एक तरह का ये है, तो यही विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, नागालैंड में। आगे देखें हम लोग 12 में क्या कह रहे हैं, हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है, इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है साथियों, यह गोविंद राजन पद्मनाभन को चुना गया है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, 12 का सी। 2024 में पहली बार यह विज्ञान पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हुई है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता ये जो है एक तरह से ये जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के ये प्रोफेसर माने जाते हैं, ये गोविंद राजन पद्मनाभन को, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो 13 में हम लोग देखें क्या है, 13 में साथियों क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रशांत द्वीप फोरम के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को अच्छे ढंग से पढ़कर हमें बता देना है कौन सा सत्य है। तो बताएं पहला क्या है, प्रशांत द्वीप फोरम के संदर्भ में पहला कथन क्या कह रहा है साथियों, पहला कथन कह रहा है यह 1971 में गठित एक अंतर सरकारी गठ संगठन है। यस बिल्कुल सही है, 1971 में इसका गठन हुआ था और एक अंतर सरकारी गठन है, अंतर सरकारी संगठन, तो ए वाला तो आपका सही हो गया। तो इसमें कह रहा है हाल ही में भारत को इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, तो साथियों इसमें भारत शामिल नहीं किया गया है, इसमें यह जो है इसके सदस्य देश नाम ही है प्रशांत द्वीप फोरम, तो इसमें जो है प्रशांत द्वीप के आसपास वाले ज्यादातर हैं इसमें, तो इसमें भारत नहीं है, तो ये वाला ये गलत हो जाएगा, केवल आपका ए उत्तर होगा, केवल एक। 14 में हम लोग देखते हैं क्या है, 14 में साथियों देख लें, कृषि अवसंरचना कोष, कोष मतलब फंड होता है इंग्लिश में, तो कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको सत्य कथन बताना है। तो ऐसे ही आप भी सॉल्व कीजिएगा, पहले देखना है आपको क्या पढ़ना है और हमें सत्य बताना है कि असत्य, इस पर ध्यान जरूर दिया करिए। तो साथियों कृषि अवसंरचना कोष जो है ये, तो इसके बारे में दोनों कथनों को पढ़ना है। तो पहला कह रहा है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो बिल्कुल साथियों यह केंद्र प्रायोजित योजना जो है यह क्रेन नहीं, यह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है साथियों, यह जो है एक तरह का जो है जो कृषि अवसंरचना कोष जो है एक तरह के जो है कृषि
कृषि जो है होती है, जैसे फसल कटाई के बाद, और कटाई के बाद जितनी चीजें कृषि में शामिल होती हैं, फसलों को तैयार करना, उसको मतलब मार्केट तक पहुंचाना, इस तरह का जो काम होते हैं, तो वही इससे संबंधित होता है। तो कृषि अवसंरचना कोष जो है, यह केंद्र मतलब केंद्र प्रायोजित का मतलब यह हो जाता है साथियों, इसको समझिए पहले, केंद्र प्रायोजित का मतलब इसमें राज्यों का भी योगदान होता है। तो यह पूरी तरीके से केंद्र वाली योजना है, इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। तो यानी यह शुद्ध रूप से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 2020 में लॉन्च किया गया था, तो इसको याद रख लीजिए। हाँ, 2020 में आया था, पूरी तरीके से केंद्र पर डिपेंड है, और 2020 से 2030 तक है, 27 तक नहीं, तो 10 वर्षों के लिए आई थी, 10 वर्षों के लिए आई थी, तो 2020 से 2030 तक के लिए थी। तो ए भी गलत हो गया, यानी आपका अब सही कौन होगा, डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं 15 में क्या है। 15 में साथियों पूछ रहा है, हाल ही में कुतुबशाही हेरिटेज पार्क, कुतुबशाही हेरिटेज पार्क को जनता के लिए खोल दिया गया है, यह कहाँ अवस्थित है? तो साथियों नाम से ही लग रहा है, कुतुबशाही हेरिटेज पार्क तेलंगाना सरकार ने खोल दिया है, यह विकल्प नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना में। 15 का बी हो जाएगा आपका। आगे देखें हम लोग 16 में क्या कह रहे हैं। INS अरिघात, INS अरिघात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, उसे बताना है हमें। तो साथियों आपको मालूम है INS अरिघात भारत की, साथियों यह दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया है। तो साथियों आपसे नहीं पूछा है, तो यह साथियों यह क्या कह रहा है, यह कोच्चि नौसेना में शामिल किया गया, तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि यह जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है, तो ये वाली आपकी गलत हो गई, यही आपका उत्तर होगा। तो कोच्चि नहीं होगा साथियों, विशाखापत्तनम होगा, विशाखापत्तनम, इसको मैं यहां लिख दिया हूं, समझ लीजिएगा। बाकी सब सही है INS अरिघात के बारे में, यह दूसरी परमाणु ऊर्जा चलने वाली पनडुब्बी है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, INS अरिहंत का उन्नत संस्करण, यानी उसका एक तरह से एडवांस वर्जन है। ये तीनों सही हैं, डी वाला गलत है, क्योंकि कोची की जगह विशाखापत्तनम होना चाहिए। आगे चले हम लोग 17 में, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम लोग शॉर्टकट में NSG कहते हैं, इसका नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो इसका महा नया निदेशक साथियों, ये श्रीनिवासन को चुना गया है, बी श्रीनिवासन, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, ये बी श्रीनिवासन। आगे हम लोग देखते हैं 18 में क्या है, हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, यहां आपको चार नाम दिए गए हैं। तो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है साथियों, आपको मालूम होगा, तो इसमें राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेखा शर्मा है, तो रेखा शर्मा ने ही इसका उद्घाटन किया था, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके जो है अध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखेगा, अभी नया नया बनी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ये रेखा शर्मा। आगे चले हम लोग 19 में देखते हैं, 19 में क्या कह रहे हैं आपसे। तो साथियों 19 वाले में देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कितना अच्छा, ऐसे प्रश्न ही विभिन्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। कौन सा निम्नलिखित, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना ने अभ्यास उदार शक्ति, कौन सा अभ्यास उदार शक्ति में भाग लिया था, यानी दो देशों की सेना ने, एक वायु वायुसेना का अभ्यास था, उसका नाम उदार शक्ति 2024 रखा गया था, तो यह किन दो देशों ने भाग लिया था? तो साथियों इनमें जो देशों ने, दो देशों ने भाग लिया था, भारत और मलेशिया ने भाग लिया था, तो विकल्प नंबर बी आपसे कभी भी पूछे उदार शक्ति किससे संबंधित है, तो उदार शक्ति 2024 ये क्या है, एक तरह का वायुसेना का अभ्यास है, यह किसके देश बीच है, भारत और मलेशिया के बीच में। आगे हम देखें हम लोग क्या कह रहे हैं 20 वाले में,
देखें, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति को फिजी के बाद किस देश का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला है? तो भारतीय राष्ट्रपति को फिजी के बाद किस देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साथियों, यही तिमोर लेसले, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। यानी अपनी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको तिमोर लेसले, तिमोर लेसले कहाँ है साथियों? आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर, और जो इंडोनेशिया के नीचे जो एक द्वीप है छोटा सा तिमोर लेसले, वही आपको देखने को मिल जाएगा मैप में। तो वही जो है, वहीं से ये अपने जो राष्ट्रपति जी हैं उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, तो यहीं से उनको मिला है। तो विकल्प नंबर सी, तिमोर लेसले। आगे देखें, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 जारी किया है। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यानी अब आपसे पूछना चाह रहा है, इतना तो आपको जानकारी दे दिया, अब यहां से आपको पूछ रहा है किस विश्वविद्यालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया है? तो अपना स्थान किसने सुरक्षित किया है? तो साथियों, IISc बंगलुरु, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है साथियों? कर्नाटक में है। तो यही जो है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में अपना नाम टॉप पर है, ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में। आगे देखें हम लोग, ये क्या कह रहा है 22वां में, हाल ही में भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप लोग जिस तरह से पैसे निकालने का एटीएम देखते हैं, कुछ उसी तरह से एक मशीन होगी जो करीब 4-5 मिनट में 50 किलो अनाज दे सकती है। तो जब चाहे कोई अगर जो अगर लाभार्थी है, अगर वो अनाज लेने के लिए एलिजिबल है, तो वह देश के किसी भी अनाज एटीएम से अपना अनाज, अपने कोटे का अनाज ले सकता है। तो यह बनाया गया भुवनेश्वर ओडिशा में। तो भुवनेश्वर यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप ओडिशा याद रखिए रहिएगा, यह ओडिशा में लगाया गया है। वह जो है 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है? ओडिशा में खोला गया है। यह जो है, इससे क्या होगा साथियों कि समय की भी बचत होगी, चोरी नहीं हो सकता है। आप अपना लगाएंगे, आप एलिजिबल रहेंगे जितना, उतना आपको अनाज मिल जाएगा, इसमें कोई चोरी लूट का इशू नहीं रहेगा। आगे देखें हम लोग, 23 में क्या है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया नजरायण पक्षी अभयारण्य। तो ये नजरायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, ये आपसे पूछ रहा है साथियों। तो अभी साथियों मालूम है आपको, इस समय अभी कुल 82 जो है रामसर स्थल में शामिल कुल 22-82 स्थल थे, अभी 3 और जोड़ दिया गया है, एक तवा जो है आपके जो है मध्य प्रदेश का, और 2 तमिलनाडु का। तमिलनाडु के 2 में एक नजरायण जो है पंछी अभयारण्य, और एक जो है साथियों ये काजुली पंछी अभयारण्य। तो नाम से ही है, नजर लग जाएगी, काजल लगा लो, तो नजरायण काजुली, तो यही 2 जो है तमिलनाडु में ये हैं, विकल्प नंबर डी, और जो तवा जोड़ी गई है वो मध्य प्रदेश से। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 23 का डी, तमिलनाडु में। आगे देखें हम लोग, विश्व जल सप्ताह के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को अच्छे ढंग से पढ़कर हमें जो है उत्तर बताना है, वो भी सत्य उत्तर। कौन सा? सत्य। तो यहाँ सत्य असत्य जरूर एक बार नोटिस किया करिए, नहीं तो आप आता हुआ गलत कर देंगे। तो चले हम लोग देखते हैं क्या है। स्कॉटहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो आयोजित करता है, यस ये बात तो सही है। तो इसकी थीम साथियों यहाँ गलत दे दिया है, ये जो विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है, तो इसका ये जो है गलत कर दिया है इसकी थीम। तो साथियों इसकी थीम क्या है, तो यानी सीमाओं को कम करते हुए शांति और टिकाऊ भविष्य के लिए पानी। तो शांति और शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए पानी, तो यही याद रखिएगा, ये अदृश्य भूजल ये नहीं है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल ए उत्तर होगा आपका। तो आगे देखते हैं हम लोग,
25 में क्या है? देखें, श्री कृष्ण गमन पथ के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से पढ़कर हमें बताना है कौन सा सत्य है। तो साथियों, आपको मालूम है ये श्री कृष्ण गमन पथ जो है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने श्री कृष्ण गमन पथ एक धार्मिक सर्किट बना रहे हैं, जैसे बौद्ध सर्किट था बौद्ध स्थलों को जो जोड़ने के लिए, तो उसी तरह से ये कृष्ण ये धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है कृष्ण गमन पथ के नाम से। तो यही है साथियों, इसमें जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से बातचीत से ये बन रहा है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दे दिया है, तो ये गलत हो गया। तो ये साथियों गलत हो गया। और ये दूसरा वाला इसमें क्या कह रहा है, दूसरा वाला, यह सर्किट भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन को जोड़ेगा। यस, यही यानी मथुरा और उज्जैन को जोड़ने वाला यह श्री कृष्ण गमन पथ है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बातचीत के माध्यम से बन रहा है। तो विकल्प नंबर बी केवल सत्य है, ऑप्शन बी। आगे देखें, देखें क्या है 26 वाले में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख योजना, क्या गजब का नाम है, आप नाम से ही पकड़ सकते हो ये किस राज्य की है। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया है किस राज्य सरकार ने। तो साथियों विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यह जो है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश, वही हिमाचल प्रदेश जहां से कंगना रनौत सांसद हैं भाई, मंडी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय वहां कांग्रेस की सरकार है, तो वहां जो मुख्यमंत्री है उनका नाम ही सुक्खू है, सुक्खू है। तो वही आप जो समझ लीजिएगा, सुक्खू ने ही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में, दक्षिण भारतीय राज्य में आदिवासी ज्ञान केंद्र जिसका नाम है कानू, इसका शुभारंभ किया गया। तो किस दक्षिण राज्य में, यानी दक्षिण राज्य की बात कर रहा है, तो दक्षिण राज्य में आदिवासी ज्ञान केंद्र यानी आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के बौद्धिक विकास के लिए यह कानू का शुभारंभ किया गया है। तो यह किस राज्य में है? तो कानू का अर्थ साथियों सदाबहार जंगल होता है एक तरह का, तो यह कर्नाटक में शुरू किया गया है कानू शुभारंभ। तो कानू का मतलब सदाबहार जंगल होता है, इसका अर्थ। आगे हम लोग देखें, या 28 में क्या कह रहे हैं, हाल ही में प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन किस स्थान पर किया गया साथियों, तो ये दिल्ली में किया गया, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, यह दिल्ली में किया गया है। जेपी नड्डा यानी केंद्रीय मंत्री जो पहले भाजपा के जो अध्यक्ष थे, तो केंद्रीय मंत्री जो है यह नड्डा जी जो है, तो वही जो है इसका उद्घाटन किए थे, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में खबरों में रहा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है साथियों, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय जो है, स्कूल या साक्षरता विभाग ने, जो एक तरह से कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय ने, यह जो है प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह होता है साथियों कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है यह उनको गुणों को विकसित करना, जो है उनको गुणवान बनाना। आगे देखें, 30 में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक इंग्लिश में कहें तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो उत्तराखंड साथियों, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे देखें, ये हमारा 31 आना चाहिए, अब 31 वाले में देखें हम क्या पूछा जा रहा है आपसे। 31 में साथियों क्या पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो आप यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक युवा दिवस होता है, एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है साथियों, वह 12 अगस्त को होता है, और जो राष्ट्रीय वाला होता है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है, युवा दिवस, तो ये जो होता है ये 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद के जो है जयंती पर। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में कह रहा है कि 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया। 12 जनवरी नहीं, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय होता है। तो इसकी थीम अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए दुनिया का निर्माण करना। तो इसका जो है ये भी नहीं है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की साल जो थीम थी ये भी इसका थीम नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका थीम यह है सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते पर। इसका नाम ये है सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते पर। तो डिजिटल मामला समझ लीजिएगा, युवा डिजिटल, जिस तरह का डिजिटल का जमाना, इसी तरह से नाम भी रखा गया है युवाओं का। तो ये भी गलत हो गया, ये भी। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा उत्तर, कोई भी सत्य नहीं है। सत्य पूछा है तो डी हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं। 32 में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किन दो भारतीय एथलीटों को चुना गया है? तो साथियों, SB को चुना गया है, सुमित अंतिल, भाग्य श्री जाधव। तो S से सुमित, B से भाग्यश्री, नाम याद रखिएगा, SB को चुना गया है, विकल्प नंबर C। आगे देखें, ध्वजवाहक याद रखिए, भारत के ध्वजवाहक पैरा ओलंपिक खेलों में। आगे देखें 33 में क्या कहा जा रहा है, विज्ञान धारा योजना। विज्ञान धारा योजना के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, आपको इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर सत्य उत्तर बताना है, इन दोनों को पढ़ के। तो सत्य उत्तर चलिए बताने, पहला वाला जब पढ़ेंगे, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह साथियों केंद्र सरकार की यह योजना है, विज्ञान धारा योजना, यह एक केंद्र सरकार की योजना है। तो बिल्कुल सही, ये वाला आपका सही है। दूसरा क्या है, इस योजना का बजट 2021-22 से और 25-26 की अवधि के लिए 10,579 करोड़ रुपए है। तो यस, दोनों कथन सही है, तो विकल्प आपका सी हो जाएगा, 33 का सी। 34 में क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। बहुत बढ़िया सवाल साथियों, बहुत अच्छा सवाल, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जो इस तरह के प्रश्न होते हैं उनकी संभावना ज्यादा रहती है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में दो कथन आपसे पूछे जा रहे हैं, दो कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सत्य है। तो आपको मालूम है इसी दिन को भारतीय अंतरिक्ष दिवस, यह पिछली साल जब चंद्रयान 2 जो है, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, CH मतलब चंद्रयान 2, जब 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, तो मोदी जी ने वही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो इस साल उसका पहला अंतरिक्ष जो है, एक साल पूरा हुआ है इस 23 अगस्त को, तो जो है उसी को जो है मनाया गया है पहला अंतरिक्ष दिवस। तो इसमें कह रहा है पहला भारत ने अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया। तो भाई 23 अगस्त 2024 को मनाया, लेकिन दूसरा नहीं मनाया, ये पहला मनाया है, इसको याद रखिए, इसलिए यह गलत हो गया। तो इस वर्ष का विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो यस, ये वाला जो थीम है, थीम तो सही है, लेकिन यह थोड़ा सा यहाँ गलती हल्की सी दिया है, यही नहीं समझेंगे तो आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होना चाहिए केवल 2, विकल्प नंबर B हो जाएगा, 34 का B। आगे चले हम लोग 35 में देखते हैं, भारत में पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, भारत में पहला नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त किसे हुआ है? तो साथियों, नेट जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि क्या वो प्रदूषण नहीं फैलाता है,
तो साथियों ऐसा नहीं है, जितना वो पोल्यूशन फैलाता है, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है, उतना किसी माध्यम से वो कम भी कर रहा है। जैसे सोलर एनर्जी चलाकर वो जो थर्मल एनर्जी का बिजली यूज नहीं करता है, बल्कि वो अपना जो है सोलर एनर्जी का उपयोग करके बिजली को अपनी खपत को पूरा करना इत्यादि के माध्यम से वह अपना जो है उतना जो है कार्बन को कम भी करता है। तो इसी को कहा जाता है, यानी जितना वो उसके उसके जरिए जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो वही कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहा है कि उतना कार्बन को कम भी कर रहा है। तो यही होता है। तो ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य ने पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया है? तो साथियों मुंबई का, महाराष्ट्र। मुंबई का एक गांव है, उस गांव में जो है पूरी तरह से सोलराइजेशन हो गया है, यानी वहां जितनी भी बिजली की जरूरत है सब सोलर से जो है उसकी पूरी हो जाती है। तो वही जो है उसे जो है सोलर विलेज का नाम दिया गया है महाराष्ट्र में। तो विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा। आगे हम लोग चले, उसका नाम है साथियों मांचीवाड़ी, गांव का नाम याद कर लीजिए, सोलर विलेज जिसका नाम रखा है यह मांची वाड़ी। आगे देखें, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर्ड पोर्टल, ये अब सही है, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर्ड पोर्टल निम्नलिखित में से किसके पंजीकरण के लिए शुरू किया गया है? तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर्ड पोर्टल, ये किसके लिए, किसके रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किया गया है साथियों? तो यह शुरू किया गया है देश के सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए यह शुरू किया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री जो है जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया है। आगे देखें 38 में, हाल ही में किसे आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी नियुक्त किया गया है? तो साथियों यहाँ चार नाम दिए गए हैं। तो संजीव रैना को आईटीबीपी का जो है एडीजी नियुक्त किया गया है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 38 का ए। तो साथियों ये कौन है, ये 1987 के बैच के जो है ये आईटीबीपी अधिकारी रहे हैं, इन्हीं को किया गया है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यप्रकाश सांगवान को। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, सत्यप्रकाश सांगवान। 40, हाल ही में विश्व बैंक ने किस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विश्व बैंक ने दुनिया का पहला रिमूवल बॉन्ड जारी किया गया है साथियों। तो ये जारी किया अमेजन वर्षावन, तो अमेजन वर्षावन के लिए, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। देखें 41 में, कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो यह किसके द्वारा संचालित की जा रही है साथियों, कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा? तो ये कोपरनिकस जो एक महान वैज्ञानिक थे, जो 15वीं सदी में, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। तो यह किसने शुरू किया है साथियों? तो यह शुरू किया है यूरोपीय संघ ने, विकल्प नंबर सी। तो यूरोपीय संघ ने साथियों, आपको मालूम है, ये थोड़ा सा इसके बारे में अगर जान लेंगे सही रहेगा। अभी साथियों एक ईरानी राष्ट्रपति का एक हेलीकॉप्टर में दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के जांच कराने के लिए उन्होंने अनुरोध किया ये यूरोपीय संघ से। तो यूरोपीय संघ ने अपना एक सैटेलाइट था उसको एक्टिव कर दिया, और वह इस बात का पता लगाया, हाँ भाई वो क्रैश हुआ था, किसी ने मारा था, इस बात के लिए। आगे देखें 41, हमारा 42 कहाँ है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th सदस्य बन गया? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो
तो साथियों यह बना है स्पेन, विकल्प नंबर आपका बी हो जाना चाहिए, सी होगा, विकल्प नंबर सी स्पेन हो जाएगा। आगे देखें 43 में, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन बुद्धाइल, आप ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये साथियों कोई नहीं भूला होगा इसे, सब लोग जानते होंगे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी ने उस समय में 1974 में, 18 मई 1974 को, ये जो राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिसका सभी लगभग देश बड़े बड़े विरोध कर रहे थे, फिर भी अपने दम पर उन्होंने जो है इसका परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु संपन्न बनाया। तो उन्हीं से अभी जो है ये अभी 18 मई को ये आया था इसका, तो उसीलिए या इसको याद किया गया परमाणु परीक्षण, विकल्प नंबर यह बी हो जाएगा, परमाणु परीक्षण से इसका एक कोड भाषा था। आगे देखें, हाल ही में समाचारों में देखा गया कोलंबो प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो कोलंबो प्रक्रिया किससे संबंधित है साथियों? जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनको मुद्दों को उठाने के लिए यह कोलंबो प्रक्रिया है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 44 का ए। आगे देखें हम लोग 45 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हाल ही में भोजन में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है? तो किस राज्य ने हाल ही में भोजन में जो लिक्विड नाइट्रोजन है उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किसने साथियों? तमिलनाडु ने, विकल्प नंबर बी। तो ये तरल नाइट्रोजन क्या होता है साथियों, आप लोग जानते हैं, यह निष्क्रिय होता है, यानी यह क्रिया नहीं करता है, इसका कोई कलर भी नहीं होता है, इसका कोई सुगंध भी नहीं होता है, यह ज्वलनशील भी नहीं होता है, और यह जो है मतलब बहुत ठंडा एक तरह का होता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, और खास करके जो जानवरों के स्पर्म होते हैं वो इसी में रखे जाते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। आगे देखें हम लोग 46 देखें, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? सबको पता होगा, आप सबको, जब डॉक्टर आपको कोई बुखार हो जाता है और वो कई बार दवा लेने से ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर आपको कहता है भैया आप विडाल टेस्ट करवाइए, विडाल टेस्ट में ये पता लगता है, टाइफाइड बुखार के लिए टेस्ट करवाया जाता है, विकल्प नंबर बी हो जाता है। आगे देखें, सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये किसके द्वारा जारी की गई साथियों? यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे देखा जाए तो देखें, आधा प्रश्न अगले पेज पर है, तो यहां पर क्या कह रहा है, पृथ्वी दिवस के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़कर हमें उत्तर देना है। तो कैसा उत्तर देना है हमें? सत्य उत्तर देना है, तो यहां हमें ध्यान देना है सत्य उत्तर। तो सत्य उत्तर कैसे देंगे हम, तो चले हम लोग देखते हैं, सत्य उत्तर हमें देना है ये वाला है 48 का, तो क्या कह रहा था, पृथ्वी दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रतिदिव आपको मालूम है पृथ्वी दिवस जो है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। यस, 2024 में पृथ्वी दिवस का विषय था, जो थीम्स था, ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी ग्रह यानी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक था, तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, तो दोनों सही है कथन इसका। 48 का आपका जो उत्तर होना चाहिए वो सी होना, हाँ सी हो जाए, क्योंकि सत्य पूछ रहा है, सी होगा। आगे देखें, कोडाइकनाल सौर वेधशाला, कोडाइकनाल सौर वेधशाला जो कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देती है, कहाँ स्थित है? तो ये साथियों यह पलानी पर्वतमाला पर स्थित है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ये पलानी पर्वतमाला साथियों ये कहाँ है? तो ये है साथियों ये कोडाइकनाल सौर वेधशाला। तो पहले हम इसकी बात करने, कोडाइकनाल सौर वेधशाला अपनी स्थापना का साथियों 125वां सालगिरह मनाया है। तो एक तो ये पलानी, ये कोडाइकनाल सौर वेधशाला के बारे में हो गया, और यहाँ पर जो ये काम कर रहा है, ये पलानी पहाड़ियां कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है, यह विकल्प नंबर
यह डी हो जाएगा, पलानी पहाड़ियां पर्वतमाला कहाँ है, यह तमिलनाडु में है। 49 का आपका यह डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। ये हमारा 50 वाले प्रश्न होगा, होना चाहिए 50। हाल ही में खबरों में रहा डोंगरिया कोंध जनजाति, खबरों में रही डोंगरिया कोंध जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है साथियों? यह है ओडिशा से। विकल्प नंबर ए डोंगरिया ओडिशा, ओ डो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में खबरों में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर, हम्बोल्ट ग्लेशियर किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है साथियों? यह वेनेजुएला से संबंधित है। विकल्प नंबर ए हम्बोल्ट ग्लेशियर पिघलकर बहुत तेजी से छोटा हो रहा है, इसीलिए यह चर्चा में आया, जो वेनेजुएला से संबंधित है। तो 51 का ए हो जाएगा, वेनेजुएला। आगे देखें 52 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि कौन सा कथन सत्य है इन दोनों कथनों को पढ़कर। तो तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। तो इस साल का जो 2024 का आपका जो ये तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस का ये जो मनाया गया, तो इसका जो है ये थीम जो थी यही थी, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है आपके 52 वाले में, ये बात सही है। और ये कह रहा है भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है, तो नहीं साथियों ये बात गलत है। तो 21, पहले तो ये जान लीजिए 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम मैंने बता दिया ए वाला, ये सत्य है, और ये जो दो है यह गलत है। क्योंकि तो दुनिया में साथियों ये जो कई तरह के, भारत चीन के बाद दूसरा यानी सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक जो है, ये भारत तो दूसरा है ही, यहाँ कह रहा है भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है भारत, भारत का जो है अपना दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ कह दिया ब्राजील के बाद, ब्राजील के बाद नहीं साथियों, यह चाइना के बाद। तो याद रखिए सबसे ज्यादा चाइना में तंबाकू उत्पादन होता है, उसके बाद भारत में। तो आपका उत्तर केवल बी हो जाएगा, 52 का बी। आगे चले हम लोग, सॉरी 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 सॉरी, ये 52 का बी नहीं, मैंने गलत बताया, 52 का ए, क्योंकि ए सही है। आगे देखें 53 का, हाल ही में खबरों में रहा न्यू कैलेडोनिया निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो न्यू कैलेडोनिया किस देश का हिस्सा है? तो 53 वाले में आपसे ये पूछ रहे हैं, तो फ्रांस का हिस्सा है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 53 का डी, फ्रांस ने एक जो एक द्वीप है एक तरह का, तो वही ये हिस्सा है। 54 में, हाल ही में समाचारों पत्र में देखी गई एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है साथियों? तो ये जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, IMF जिसे हम लोग कहते हैं। आगे देखें 55 का, निम्नलिखित में से कौन पहल योजना से संबंधित है? तो पहल योजना साथियों बहुत अच्छी योजना है, इससे आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। पहल योजना लगभग ये 2014 में ही शुरू कर दिया गया था आंशिक मात्रा में, लेकिन इस समय तक इसका बहुत बड़े मात्रा में शुरू किया गया। पहल योजना साथियों पहले क्या होता था, सिलेंडर जब सस्ता था तो सस्ते दाम में गरीब भी खरीदते थे, सस्ते दाम में अमीर भी, जो ब्लैक में खरीदते थे। तो मोदी जी ने सिलेंडर जो है उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 2-3 गुना कर दिया। जब लोगों ने विरोध किया मोदी जी क्यों बढ़ाए, तो कहें कि हम गरीबों के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, हम जो ब्लैक में खरीदते हैं उनके लिए बढ़ा रहे हैं, और जो सब लोग कहें तो गरीब भी उतना में खरीद रहा है, तो कह रहे हैं गरीब जो गरीबी रेखा का राशन कार्ड वाला है उस वो भी उतना में खरीदेगा, लेकिन उसे हम सब्सिडी के रूप में उसके खाते में लौटा देंगे उसका पैसा,
ज्यादातर उसका पैसा लौटा देंगे जितनी सब्सिडी होगी, यानी उसको सस्ता देंगे। तो यही है पहल योजना के माध्यम से क्या है, सिलेंडर की जो खरीदने पर जो बीपीएल वाले हैं उनको सब्सिडी के माध्यम से उनको वापस किया जाता है पैसा, वही है। तो विकल्प नंबर ए, यानी आपके घर किसी का एलपीजी कनेक्शन है, खाते में पैसा आता होगा रिटर्न सब्सिडी के रूप में, तो आप जान लीजिए आप पहल योजना से जुड़े हैं। आगे देखें, कभी कभी खबरों में आने वाला प्रोजेक्ट उद्भव किस संदर्भ में है? तो प्रोजेक्ट उद्भव जो खबरों में आता है वो किसके संदर्भ में है, क्या है वो, ये बताना है। तो सैन्य विरासत की खोज, भारत की सैन्य विरासत की खोज, विकल्प नंबर ये बी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 57 में। ये साथियों यहां पर आपसे जारी जो इस साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है इसके संदर्भ में आपको पूछ रहा है दो कथन देकर कि कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों आपको मालूम है स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये बताता है कि किस देश में प्रेस कितना अच्छा भूमिका निभा रही है। तो फिलहाल अपने भारत की स्थिति तो बहुत ज्यादा डैमेज है पिछले कई साल से। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यस विदाउट बॉर्डर्स, याद रखिएगा कौन जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विदाउट बॉर्डर्स। और 2023 की तुलना में भारत 2024 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। जी 2023 में तो बहुत स्थिति खराब थी, हालांकि 24 वाले में उसने मामूली सा सुधार किया है साथियों, तो मामूली सा सुधार किया है। तो इस साल जो है 161वें स्थान पर, 2023 में तो साथियों 161वें स्थान पर थी, 161वां, लेकिन इस साल 2024 में अपनी महान मीडिया जो है 159वां, यानी दो अंक थोड़ा सा सुधार किया है तो यहां पहुंच गई। तो इस साल यही है 159 हो गई, तो दोनों सही है हमारे, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 58। हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया अभ्यास्त शक्ति निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो अभ्यास्त शक्ति किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो साथियों अभ्यास शक्ति जो आयोजित किया गया था ये हमारा भारत और फ्रांस के बीच में, ये सैन्य अभ्यास शक्ति का ये सातवां संस्करण था जो मेघालय के उमरोई में किया गया। तो मेघालय के उमरोई में, फ्रांस भारत के बीच। आगे देखें, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द फुजियान किससे संबंधित है? तो साथियों चीन का एक विमान वाहक है जिसने अभी अपना एक परीक्षण किया था, तो उसी का नाम फुजियान था। तो विकल्प नंबर बी, ये फुजियान किससे संबंधित है, यह चीन का एक विमान वाहक पोत है। आगे देखें हम लोग 60 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचार पत्र में देखे गए ब्लेचली घोषणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ब्लेचली घोषणा का ये यहां पर कौन सा सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है जो समाचारों पत्र में था, इन चारों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा है पहला वाला कह रहा है, तो सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए रणनीति तैयार करना, तो नहीं। ये साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियमों को लागू करना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए जो नियम है कि एआई का कैसा उपयोग कर सकते हैं आप, किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं कहां नहीं, तो ब्लेचली घोषणा उसी से संबंधित है, विकल्प नंबर बी एआई से संबंधित। आगे देखें, हाल ही में कौन सा भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाला विश्व का सबसे युवा पैरा तैराक बन गया है? पैरा जहां आए साथियों समझ लीजिए ये विकलांग एथलीटों के बारे में बात कर रहा है, विकलांग खिलाड़ियों के बारे में एक तरह का। तो पैरा तैराक बन गया है, कौन बन गया है 61वें में आपसे पूछ रहा है, तो जिया राय। तो जिया राय जो है सबसे कम उम्र के इंग्लिश चैनल पार करने वाला विश्व का जो है सबसे युवा तैराक बन गया है, पैरा तैराक। तो ये मात्र 16 साल के हैं, ये 16 ईयर्स के। आगे देखें 62 में,
हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हाल उसका नाम रहता था, तो उसका नाम बदलकर साथियों यह गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, 62 का बी हो जाएगा। और साथियों इसके साथ दो चीज किया गया, यानी जो राष्ट्रपति भवन था उसका नाम दरबार हाल कर दिया गया, और जो है और अशोक के नाम में इसमें था, अच्छा इसमें नहीं था ये। तो दरबार हाल का नाम इतना याद रखिए, यह क्या किया गया, ये किया गया। आगे देखें, हाल ही में किस देश ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान पहली बार भारत के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? यूएसए ने। विकल्प नंबर ए, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आगे देखें, 64 में क्या कह रहे हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए हैं, पढ़कर हमें सत्य उत्तर देना है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग साथियों 19 में इसकी जो है अधिनियम बनाया गया था, इसके लिए कानून राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 बनाया गया था, हालांकि यह लागू हुआ था 2020 में। तो ये बात सत्य है, कोई डाउट नहीं, इसमें सत्य बात है। तो बीएन गंगाधर को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यस। तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, विकल्प नंबर जो ए भी सही है, तो हमारा सी हो जाएगा, दो के दोनों सत्य हैं। तो ये हमारा सत्य है। आगे चले हम लोग, 65 में क्या है? तो साथियों इसमें कह रहा है पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, पूर्ण यानी पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक के संदर्भ में दो कथन है, दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ें अपने, पहला क्या कह रहा है, इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा जारी किया गया है। तो इसे आईएमएफ द्वारा जारी किया गया है, किसे? पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक को। तो यस बिल्कुल सही, तो आईएमएफ द्वारा जारी किया गया है, सूचकांक भारत में 72वें स्थान पर है। तो यस पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत ने 72 यानी 72वें स्थान पर है, 174 देशों में। याद रखिएगा दोनों के दोनों सत्य हैं हमारे, सी उत्तर होगा। आगे 66 में देखें, हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया साथियों? यह गांधीनगर गुजरात में किया गया, विकल्प नंबर बी। 67 में, हाल ही में वार्षिक अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो साथियों बहुत ही हर साल ये मनाया जाता है, तो ये बात नहीं है, तो अभी ये मनाया गया था इसीलिए चर्चा में आया। असम का जो अंबुबाची मेला है बहुत ही फेमस है, माँ कामाख्या देवी जो है उनके जो मासिक धर्म होता है उन्हीं के से रिलेटेड ये मेले लगते हैं, उसी संबंधित है। तो कहा जाता है माँ कामाख्या देवी का पीरियड इसी महीने में हुआ था, तो उसी से यह रिलेटेड है। तो असम में, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, असम में, 67 का सी, असम के गुवाहाटी में लगता है। आगे देखें, विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न साथियों ये है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना है। जो लाल गर्दन वाले गिद्ध हैं साथियों आप लोग जानते हैं, वो उनकी संख्या बहुत तेजी से कम होती गई, जिन्हें किंग वल्चर कहा जाता है, यानी राजा गिद्ध नाम उनको दिया जाता है लाल गर्दन वाले को। तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो साथियों पशुओं को जो एक दर्द निवारक दवा दी जाती थी डाइक्लोफेनिक नाम से, तो उनको जब पशु मर जाते थे जिनको दवा दी जाती थी और उनको खा लेते थे अगर ये गिद्ध लाल गर्दन वाले, तो ये भी मर जाते थे। तो इसके लिए बहुत तेजी से ये किंग वल्चर यानी राजा गिद्ध की बहुत तेजी से मृत्यु हुई, तो इन्हीं को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो है में एक जो है ये
जो है इसमें स्थापित किया जा रहा है, किंग वल्चर सेंटर, इसमें लाल गर्दन वाले गिद्धों को बचाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिला में? महाराजगंज जिला में। महाराजगंज जिला में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है, बहुत ही अच्छा जिला है ये। यह है यूपी के जो, मतलब उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो नेपाल को और बिहार से भी सीमा साझा करता है, दोनों से। तो याद रखिएगा महाराजगंज उत्तर प्रदेश। 68 का ये हो गया हमारा बी, तो 68 का सी हुआ, अच्छा सी था। आगे देखें ये क्या है, 69 स्ट्रोबो 1.0 हाल ही में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई है। यह किस देश के द्वारा बनाई गई? तो चाइना के द्वारा। तो विकल्प नंबर बी, चाइना ने स्ट्रोबो 1.0 कह लें या 1.0 कह लें या जीरो, तो स्ट्रोबो नाम की जो विश्व की पहली हाई स्पीड जो कार्बन फाइबर ट्रेन चलाई गई चीन के द्वारा। 70 में, हाल ही में चराई देव मोइदम्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके भी आने की संभावना अधिक है। असम में एक मोइदम्स नाम का है, ये मोइदम्स क्या है साथियों? एक तरह का ये जो है एक कब्र है, जहां पर जो शाही लोगों को पहले दफनाया जाता था। आप लोग इसको अगर देखेंगे गूगल पर, बहुत ही अच्छी इसकी बनावट लगती है, गुफा जैसी देखने में। तो असम में चराईदेव मोइदम्स जो अहोम राजवंश शाही कब्रिस्तान है। तो हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यह किस राज्य में है? मैंने पहले बताया असम में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 71 में, हाल ही में खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो मंगोलिया में किया गया, विकल्प नंबर आपका ये हो जाएगा। 27 जुलाई से 9 अगस्त के बीच चला था, मंगोलिया के उलान बटोर में। आगे देखें, 72 में, हाल ही में किस संगठन के द्वारा विश्व के वनों की स्थिति नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी? यानी कौन सा ऐसा संगठन है जिसने एक रिपोर्ट जारी किया, किस नाम से? उसका नाम रखा विश्व के वनों की स्थिति, विश्व के वनों की स्थिति के नाम से रिपोर्ट जारी किया। तो किस संगठन ने जारी किया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 72 का सी। तो खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम लोग फाओ भी कहते हैं, तो यही जारी किया है। द्विवार्षिक स्थिति होती है, 2 वर्षों में आती है ये विश्व के वनों की स्थिति, हर 2 साल में ये जारी होता है। 73 में, हाल ही में समाचारों पत्र में देखा गया ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य कर रहा है? यानी किन दो देशों के बीच ब्लू लाइन नाम का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है? तो किसके रूप में साथियों? यह लेबनान और इजराइल के बीच में, मालूम है आपको इन दोनों के बीच झगड़ा भी चल रहा है वहां। बी हो जाएगा उत्तर। 74 में देखें, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित पूर्वोदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी पूर्वोदय योजना, यानी साथियों ये जो पूरब के जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के लिए पूर्वोदय योजना लाई गई है, तो इसके अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है इसमें? तो ये इसमें बताना है। तो असम शामिल नहीं है, असम साथियों नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में शामिल हो जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड ये सब पूर्वोदय में आते हैं। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो असम पूर्वोदय में नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। आगे देखें, 75 में, हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है? यानी भूस्खलन आने का अनुमान लगाने का एक सेंटर होगा, तो कहां पर आएगा? स्वाभाविक सी बात है, जहां पर भूस्खलन आने की, यानी जिस क्षेत्र में भूस्खलन आने की संभावना अधिक रहती है या होता है, तो वहीं ये ज्यादातर खोले जाने की संभावना है, कोलकाता में, विकल्प नंबर डी। तो जो भूस्खलन इस समय बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो उसके पूर्वानुमान लगाने के लिए। हाल ही में समाचारों पत्र में रही डीआरडीओ एक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसका नाम है रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, यह किस स्थान पर अवस्थित है?
यानी रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला किस स्थान पर अवस्थित है? जो डर्डो की एक अनुसंधान प्रयोगशाला है DRDO की, तो ये कहाँ है साथियों? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद। 77 में हम लोग देखे हैं क्या है, 77 में आपसे पूछ रहा है साथियों, प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसे इंग्लिश में कोस्पार नाम दिया है, कोस्पार से ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस में किन दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानियों को सम्मान प्राप्त हुआ है? तो साथियों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज, यही दोनों को मिला है। तो 77 का आपको बी हो जाएगा, यही वाला, प्रहलाद और अनिल को। देखें 78 में क्या कह रहे हैं, ये अस्मिता योजना के बारे में पूछ रहे हैं। अस्मिता परियोजना के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, अब सत्य कथन बताना है आपको क्या है इसमें सत्य कथन। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, तो साथियों नहीं, ये बात गलत है। तो जुलाई 2024 में यह अस्मिता परियोजना आया था, तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। तो 5 वर्षों में साथियों 22,000 किताबों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है अस्मिता योजना के माध्यम से। तो 5 वर्ष में 22,000, 22 के का मतलब 1,000 समझ लीजिए, इतनी किताबों को जो है लॉन्च करने का लक्ष्य इसका रखा गया, तो ये है। तो इसको जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है, ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा संबंधित, नहीं, मैंने बताया ये किताब लॉन्च करने 22,000 से है, तो ये भी गलत हो गया। डी आपका उत्तर होगा, कोई भी सत्य नहीं है। आगे देखें 79 में, तो उत्तर प्रदेश में संपन्न सारस क्रेन, तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी भी सारस है, तो सारस क्रेन की जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सत्य कथन बताना है। तो इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन का सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक दर्ज की गई है साथियों, तो ये वाला तो हमारा सत्य है, हाँ इटावा में ही है, ये तो सही है। मऊ वन प्रभाग में 1 दशक में पहली बार कोई सारस क्रेन नहीं देखा गया था, तो ऐसा नहीं है साथियों, यह देखा गया था मऊ वन प्रभाग में 1 दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे गए थे, तो ऐसा नहीं है, इसमें कह दिया कि कोई नहीं देखा गया था, नहीं, ये 6 देखे गए थे, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला सही है, केवल ए सत्य है। 80 वाले में देखते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? तो सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल कहाँ खोला गया है? तो भूटान में। आगे देखें हम लोग 81 में, विलियम चिंगते ने अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है विलियम लाई चिंग ते, तो किस देश के राष्ट्रपति ये बने हैं, ये पूछ रहा है। तो ताइवान के, नाम ही चाइना की तरह है, तो चाइना ताइवान लगभग यहाँ का एक मानवीय सभ्यता लगभग एक ही तरह का है, तो नाम भी लगभग मिलता जुलता है। तो हाल ही में कौन सा पहला अंतरिक्ष पर्यटक बना, भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बना, कौन बना है पहला बना? तो गोपी थोटा कुरा ने, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश के मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो किस देश के साथ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, एक मित्रता के रूप में साथियों? तो मॉरिशस, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। जो अभी झगड़ा वगड़ा भी चल रहा था, बीच में हुआ था मामला, मोदी जी को जो बोला गया था वहां के मंत्रियों के द्वारा। तो 84 में, हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास केंद्र परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो मार्शल द्वीप, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, मार्शल द्वीप के साथ। आगे देखें 85 में, हाल ही में किस संस्थान ने एक वैज्ञानिक
एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी एक वैज्ञानिक एक उत्पाद के रूप में कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कहाँ है साथियों? यह आईकार, ICAR, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो जुलाई अगस्त माह में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाने वाला खर्ची पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, यानी खर्ची पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है साथियों? तो ये त्रिपुरा का है, विकल्प नंबर बी। मनाया त्रिपुरा मनाया जाने वाले के हिंदू त्योहार है, यह एक सप्ताह तक चलने वाला एक त्योहार होता है। तो जुलाई महीने में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है ये। आगे देखें, हाल ही में किस देश को हानि और क्षति कोष यानी हानि और क्षति फंड के बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश को हानि और क्षति कोष के बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? फिलीपींस, थाईलैंड, केन्या, जिम्बाब्वे? तो साथियों यह फिलीपींस को चुना गया है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका। 87 हो गया, 88 में, तो 88 में आपसे कह रहा है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डीला लीजन डी होनूर, इतना बड़ा पुरस्कार है यार। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? शेवेलियर डीला लीजन डी होनूर, यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसके संदर्भ में दो कथन है, तो दो कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो हाल ही में इसे भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी को दिया गया है। तो किसे दिया गया है? कह रहा है गौतम अदानी को दिया गया है, तो ये तो नहीं लग रहा है हमें, फिलहाल अगला देख लेते हैं। इसे नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में स्थापित किया गया था। यस, ये बात तो सही है, नेपोलियन बोनापार्ट के माध्यम से समाधि किया गया था। तो बी वाला सही है, ए वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों यह जो है यह फ्रांस के एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये तो है ही, और यह तो नहीं लग रहा है इन्हें उद्योगपति गौतम अडानी को दिया गया। तो फिलहाल इसका आप मैसेज किया, हमें तो लग रहा है नहीं, इन्हें तो नहीं दिया गया है, हमारे हिसाब से उत्तर बी होना चाहिए। तो फिलहाल रुकिए, मैं एक मिनट गूगल कर लेता हूँ, आपको बता दूँ, हो सकता है आप जो है। तो साथियों SCLTech, सॉरी, यहाँ पर सही है, ये मैंने सही बताया, ये अडानी को नहीं दिया गया था, उद्योगपति गौतम अडानी को नहीं दिया गया था, एक HCL जो लैपटॉप वगैरह की कंपनी आती है, SCLTech, तो उनके अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को ये दिया है। तो ये गलत हो गया, सही है उत्तर बी ही होगा। आगे चलें, 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथनों है, दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य होना था साथियों हमारा? नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। यस, सही है। इस बार सम्मेलन का विश्व जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि को आगे बढ़ाना था। यस, तो दोनों बातें सही है हमारी, तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 89 का सी। 90 का, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। अभी तक तो जिले लद्दाख में 2 ही जिले हैं, तो कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है जिन्हें 5 जिलों को नाम रखने की बात किया गया है? तो साथियों इसमें जो है ये कारगिल, कारगिल नहीं है, बाकी ये सब है, तो विकल्प नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। तो फिलहाल हमने 90 तक देख लिया है, अभी हमारे यहाँ 60 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों, 60 क्वेश्चन बचे हैं हमारे 91 से 150 के बीच, तो इनको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसको यहीं रोक देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में परेशानी होगी, हमें भी अपलोड करने में, तो इसको हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके जस्ट ही बाद हम अपलोड करेंगे, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग, 60 क्वेश्चन जो है अगले नेक्स्ट वीडियो, इसको सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।